हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और अभी शाम के बज रहे हैं 5 और मुझे कुछ स्नैक्स बनाना है। कुछ अभी मैंने सोचा चाउमीन बनाती हूँ। मैंने चाउमीन बॉईल करके रखा हुआ था कि बहुत टाइम पहले लाए हुए थे पैकेट चाउमीन का, और मुझे आता नहीं था बनाने, तो मैं इसको ऐसे ही डाल रही थी। आज सोचा मैंने कि आज चाउमीन बनाती हूँ, तो मैंने चाउमीन उबाल के रखा हुआ है और अभी मैं बनाऊंगी चाउमीन। ये मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ क्योंकि मैंने अभी तक बनाया नहीं है। मैंने खाया है और मम्मी घर पे बनाती थी तो देखा है एक दो बार। चलते हैं मैं चाउमीन बनाने। तो ये देखते हैं चाउमीन मेरा कैसे बनता है, वो तो टेस्ट करके ही बताएंगे। मैं अपना बेस्ट देने का कोशिश करूँगी अच्छे से बनाने का। चलिए बनाते हैं चाउमीन। आ गई हूँ मेरे किचन में चाउमीन बनाने। चाउमीन जो मैंने पहले से बॉयल करके रखा था, तो इसे मैंने सबसे पहले पानी गरम करा, उसके बाद से हक्का नूडल्स या चाउमीन का जो होता है वो उसमें डाला। थोड़ा सा पानी में हम नमक भी ऐड करेंगे और उसके बाद से 3 से 4 मिनट में से इसको पूरा नहीं पकाएंगे, हल्का कच्चा रहने देंगे। 80% ही पकाएंगे इसको हम। और उसके बाद तुरंत ही इसे एक मतलब पानी को छान लेंगे और इसको ठंडे पानी से धो के और इसमें अलग एक थाली में फैला देंगे और वायर मिला के रख देंगे ताकि ये ज्यादा स्टिकी ना हो। यहाँ सब्जियों में प्याज कट किया है और बंधा गोभी कट किया है, हरा मिर्चा, लहसुन और टमाटर कट किया है। आप चाहे तो इसमें शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, मुझे पसंद नहीं है तो इसलिए मैंने नहीं डाला है। और हमने लिया है ये डार्क सोया सॉस, क्योंकि मैं स्ट्रीट फूड बनाने वाली हूँ, स्ट्रीट में जैसे बनते हैं वैसे मार्केट में। और ये चाउमीन हाका नूडल्स मसाला एक चिंग का है जो कि मैं ऐड करूंगी। उसके बाद है ये विनेगर, चिली विनेगर है। फिर ये रहा एक सोया सॉस जो कि इसको भी हम ऐड करेंगे। और ये है टोमेटो केचप और ये रहा हमारा ग्रीन चिली, आई हैव नॉट रेड चिली सॉस। तो अब हम शुरू करते हैं अपना चाउमीन हक्का नूडल्स बनाना। ट्राई देखते हैं। यहाँ पे मैंने अपना स्टोव जला लिया है, पैन को रख दिया है, थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। अभी हमारा ऑयल गर्म हो चुका है और इसमें ऐड करेंगे लहसुन, हरा मिर्च और प्याज। इसको पकाएंगे कच्चा पनीर का थोड़ा सा पड़ेगा, इतना भी हम पकाएंगे और इसको ज्यादा पकाएंगे नहीं, बस इसका कच्चापन चला जाए, बस इतना ही। बस सॉटे करना है और इसके बाद हम इसमें अपना कैबेज डालेंगे। हाई फ्लेम पे हम पका रहे हैं और अब हम इसमें अपना मटर ऐड करेंगे। ऐड करेंगे अपना सोया सॉस। थोड़ा सा विनेगर, हम अब इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच टोमेटो केचप। इसका ही हम ऐड करेंगे अब हमारा चाउमीन जो कि बॉइल किया हुआ है। चाउमीन डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे नमक, और ध्यान देना कि मैं पानी में भी बाते टाइम नमक ऐड किया था इसलिए कम ऐड करेंगे। और अब हम डालेंगे इसमें हमारा चाउमीन हक्का नूडल्स मसाला। मुझे पता नहीं कितना डालना होगा इसमें, बट मैं 1 चम्मच ऐड करेंगे ये मसाला। हो गया अब हमारा ये चाउमीन बनके तैयार हो चुका है और हम अब
देखिए टेस्ट कर कैसा। मार्केट से अलग है लेकिन उससे बढ़िया है। पहली बार खा रहे हैं घर में बना हुआ। बहुत बढ़िया, ठीक है। मार्केट वाला ज्यादा हेल्दी है, घर में बहुत ही अच्छा बनाया है। इस मार्केट में क्या होता है कि वायल बहुत ज्यादा होता है। बढ़िया है, बहुत अच्छा है। और कुछ जो घर में ही बनाया खाना चाहिए वैसे तो। मार्केट में बहुत ज्यादा ऑयल वगैरह की वजह से थोड़ा अलग लगता है, लेकिन ये ठीक है। आप लोगों को अगर जो ये हमारा रेसिपी अच्छा लगे, हमारे मैडम को रेसिपी अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक करिए और रेसिपी देख के अपना बनाइए भी, और अपने फ्रेंड लोगों को शेयर करिए जिससे कि उनको भी मदद मिले और हमारा भी इम्प्रूवमेंट हो कुछ। चलिए ठीक है।